हेलो बेटा, क्लास सेवन्थ। आज हम लोग बेटा साइंस का चैप्टर थ्री स्टार्ट करेंगे, फाइबर्स फ्रॉम एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स से हमको जो फाइबर्स मिलते हैं। बेटा फाइबर्स क्या होता है? जो फाइबर्स होता है बेटा, फाइबर्स से फैब्रिक बनता है, और उसी फैब्रिक से बेटा क्या बनते हैं? कपड़े बनते हैं। वो जो कपड़े हम लोग पहनते हैं ना, वो किससे बनते हैं? फैब्रिक से बनते हैं। ठीक है, और वो फैब्रिक फाइबर से बनता है। तो ये जो फाइबर होता है, आप समझते चलिए बेटा, आप इसको रीडिंग कर लीजिएगा, हम आपको समझाते चलते हैं। ये जो फैब्रिक होता है बेटा, ये हमको फाइबर से मिलता है, और फाइबर हमको कहाँ से मिलता है? प्लांट्स से और एनिमल्स से। कुछ फाइबर जो होते हैं प्लांट्स से मिलते हैं, कुछ फाइबर्स होते हैं जो एनिमल्स से मिलते हैं। प्लांट से मिलने वाले फाइबर्स कौन कौन से हैं? देखिए बेटा, सबसे पहले कॉटन, जो कि हमको कहाँ मिलता है? कॉटन के प्लांट से मिलता है। और दूसरा है आपका जूट, जो कि जूट प्लांट से मिलता है, जूट प्लांट के स्टेम से। एनिमल से कौन कौन से फाइबर्स मिलते हैं? देखिए, सिल्क, जो कि सिल्क वर्म से मिलता है, और वूल, जो कि शीप और गोट के हेयर से मिलता है। ठीक है, चलिए, ये हो गया फाइबर। बेटा फाइबर दो तरीके के होते हैं, एक होता है नेचुरल फाइबर और एक होता है आर्टिफिशियल फाइबर, जिसको हम सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं। तो बेटा इसको भी समझ लीजिएगा कि नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक या आर्टिफिशियल फाइबर क्या होता है। नेचुरल फाइबर का मतलब होता है बेटा ऐसा फाइबर जो हमको नेचुरल प्रोडक्ट से मिलता है, जैसे कि आपको सिल्क वॉर्म से मिला, या जूट के प्लांट से मिला, या कॉटन के प्लांट से मिला, या फिर मान लीजिए आपको सिल्क वॉर्म या वूल शीप से मिला। ये सब क्या है? आपका नेचुरल फाइबर है। ठीक है, एनिमल फाइबर की अगर हम बात करें बेटा, और आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फाइबर की बात करें, तो आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर वो होते हैं जो केमिकल्स से तैयार किए जाते हैं, जैसे आपका प्लास्टिक है, रेयन है, नाइलॉन है, ये सब क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स हैं। चलिए हम आते हैं एनिमल फाइबर, सिल्क में। सिल्क एक एनिमल फाइबर होता है बेटा। सिल्क हमको कहाँ से मिलता है? देखिए, सिल्क हमको मिलता है सिल्क वॉर्म नाम का एक कीड़ा होता है, जो कि मलबरी ट्रीज़ में, जिसको हम लोग पालते हैं। ठीक है, और ये मलबरी ट्रीज़ की लीव्स को खा करके उसी पेड़ पर जिंदा रहता है, और इस के मुंह से जो लार्वा निकलता है उसी लार्वा से सिल्क बनता है। ठीक है, यही बात कोकून में कन्वर्ट होता है, और कोकून से कन्वर्ट होने के बाद ये लार्वा बाई सिल्कवॉर्म, सिल्कवॉर्म के लार्वा से ही हमको क्या मिल जाता है? सिल्क मिल जाता है। ठीक है, टेक्निकली सिल्कवॉर्म इज़ अ कैटरपिलर रेदर देन अ वॉर्म। सिल्कवॉर्म वॉर्म बनने से पहले क्या रहता है? कैटरपिलर रहता है। ठीक है, इन नेचर अ लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स क्या लिखा हुआ है बेटा? मेक देयर कोकून कवर्ड विद अ फाइबर। हाँ, तो अगर हम नेचर में बात करें, प्रकृति में बहुत सारे ऐसे कोकून्स हैं जो क्या करते हैं? सिल्क तैयार करते हैं। ठीक है, सिल्क इंडस्ट्री द फाइबर फ्रॉम द कोकून, मलबरी सिल्क, मोथ एंड अ फ्यू अदर व्हाट इज दिस मोथ्स। हाँ, मोथ्स जो होते हैं, मतलब वो जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं सिल्क वॉर्म जो होते हैं, जिनको मलबरी ट्रीज़ में पाला जाता है, वो क्या करते हैं बेटा? उन्हीं से सिल्क निकलता है, और फिर उसको हम सिल्क इंडस्ट्रीज़ में भेजते हैं, और सिल्क इंडस्ट्रीज़ में जब वो पहुंचता है, तो वहां पर क्या होता है? फिर उसको कई प्रोसेस से आगे निकाल करके उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है? सिल्क में कन्वर्ट किया जाता है। इज अर्ली हिस्ट्री ऑफ द सिल्क की अर्ली हिस्ट्री भी पढ़ लेते हैं। सिल्क वॉज फर्स्ट डिस्कवर एंड डेवलप्ड इन चाइना। सिल्क सबसे पहले चाइना में आज से 3000 साल पहले डिस्कवर किया गया था। ठीक है, और इसका क्रेडिट जाता है सी लिंग सी को। ठीक है, द 14-year-old ब्राइड एम्परर ह्यून डी फॉर द डिस्कवरी ऑफ द कोकून एंड द इन्वेंशन ऑफ फर्स्ट सिल्क लेजेंड गोज दैट एम्प्रेस वॉज अ सिल्क वॉर्म वीविंग इट्स कोकून इन अ मलबरी ट्री। अच्छा, हाँ, एक लेडी थी, ठीक है, जिनका नाम था सी लिंग सी। ठीक है, जो कि क्या थी? हुआंग डी की वाइफ थी। तो उन्होंने क्या देखा था? सबसे पहले सिल्क वॉर्म को देखा था कि किस तरीके से सिल्क वॉर्म जो है सिल्क तैयार कर रहा है, कोकून सिल्क तैयार कर रहा है। तो उनके दिमाग में आइडिया आया, और वहीं से सिल्क वॉर्म के कीड़े को उन्होंने जब देखा कि वो कोकून बना रहा है, तो उन्होंने वहाँ से ही क्या किया? उसको कल्टीवेट किया। कल्टीवेट करने के बाद उन्होंने देखा कि इससे कपड़ा बन सकता है। इस तरीके से सिल्क की डिस्कवरी हो गई। मतलब पहली बार जिन्होंने नोटिस किया वो थी कौन? सी लिंग सी। ठीक है, अब हम आते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है बेटा? सिल्क वॉर्म को पालने का जो बिजनेस होता है, जैसे हम लोग बहुत सारे बिजनेस करते हैं, मुर्गी पालते हैं तो पोल्ट्री फार्मिंग हो जाता है, उसी तरह से अगर हम सिल्क वॉर्म पालने का बिजनेस करते हैं, और उससे सिल्क निकाल करके उसको सिल्क इंडस्ट्री में बेचने का काम करते हैं, तो उस इंडस्ट्री को, उस एग्रीकल्चर को क्या कहेंगे? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर मतलब सिल्क वॉर्म को पालना। सिल्क वॉर्म को पालने के लिए आपको मलबरी ट्रीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। मलबरी ट्रीज़ में ही सिल्क वॉर्म पाले जाते हैं। ठीक है बेटा, और किसी दूसरे ट्रीज़ में नहीं, ये मलबरी लीव्स को ही खाते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क हम आपको नेक्स्ट पीरियड में पढ़ाएंगे। आप एक बार यहाँ तक रीडिंग कर लीजिएगा। ठीक है, प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क नेक्स्ट पीरियड का आपका वर्क रहेगा। ठीक है, कैसे हम सिल्क वॉर्म के कीड़े द्वारा बनाए गए जो कोकून होते हैं, उससे हम कैसे सिल्क को प्रोसेस करते हैं, सिल्क निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड में। थैंक यू।